जिंदा रहने की खातिर 180 रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश के मुहाजिर कैंप को छोड़कर समंदर में सफ़र शुरू कर दिया। उनको उम्मीद थी कि इंसानियत अभी जिंदा है, इसलिए कोई ना कोई देश अपने साहिल पर उतरने की इजाज़त देगा, लेकिन किसी ने अपने साहिल पर उतरने नहीं दिया। टेंट लगाने की भी परमिशन देने से इनकार कर दिया। म्यांमार की बुद्धिस्ट जालिम हुकूमत के जुल्म सितम का शिकार हुए ये लोग समंदर का चक्कर काटते रहे, फरियाद लगाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। न अक्वामे मुत्तहिदा ने, न ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, न ओआईसी ने, और अब खबर आई है कि 180 रोहिंग्या मुहाजरीन लापता और हलाक हो चुके हैं। ये खबर लिखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अक्वामे मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन के बयान पर गुस्सा भी आया कि जब ये समंदर में भटक रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, तब किसी ने तवज्जो नहीं दी। 3 मिलियन रोहिंग्या मुसलमानों की शहरियत म्यांमार की हुकूमत ने छीन रखी है, उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया या फिर कत्ल कर दिया गया, तब किसी ने तवज्जो नहीं दी, और अब ये लोग बयान दे रहे हैं कि ये हलाक हो चुके हैं। आइए आपको बताते हैं पूरी तफसील और पूरी खबर कि क्या है पूरा मामला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 89 रुपये हर महीने आपको देना है और इससे ये इदारा मजबूत होगा। बांग्लादेश के कोकस महाजिर कैंप में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या पनाह गुजीन है, लेकिन अब वहाँ भी रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। ज़िंदगी जीने के वसाइल उनको मुहैया नहीं है। बेहतर ज़िंदगी की तलाश में इसी साल नवम्बर के महीना में यहाँ मुकीम 180 रोहिंग्या महाजरीन ने कश्ती के जरिए अपना सफर शुरू किया था। ठिकाना और मंजिल का पता नहीं था, उनको यह भी नहीं मालूम कि किस मुल्क में जाना है। बस यही उम्मीद थी कि कोई ना कोई मुल्क अपने यहां पनाह लेने की इजाजत देगा, अपने साहिल पर उतरने देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अक्वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बनाए पनाह गुजीन यानी UNHCR का बयान सामने आया है कि नवंबर के आखिर में एक कश्ती के जरिए बांग्लादेश से अपना सफर शुरू करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। वो समंदर में लापता हो गए हैं और इस बात का कवी इम्कान है कि कश्ती पर सवार तमाम 180 अफराद हलाक हो चुके हैं। कश्ती इस लायक नहीं थी कि उस पर सफर किया जाए और दिसंबर के शुरू में ही इसमें खराबी पैदा होने की इत्तलात भी मिलने लगी थी। बाद में इससे राबता भी खत्म हो गया। साल 2022 में रोहिंग्या पनाह गुजीनों की हलाकत का यह वाकया हालिया बरसों में उनके साथ पेश आने वाले बदतरीन वाकयात में सबसे बड़ा है। जिंदगी बचाने की आस में रोहिंग्या मुसलमानों के लापता और हलाक होने का यह कोई पहला वाकया भी नहीं है, बल्कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। साल 2013 में तकरीबन 900 रोहिंग्या और साल 2014 में 700 से जायद रोहिंग्या अंडमान के समंदर और खलीज बंगाल में लापता और हलाक हो गए थे। माजी के इस दर्दनाक वाकया का हवाला देते हुए बलोच का कहना था, रवा बरस साल 2013 और साल 2014 में हलाकत और लापता होने के वाकयात के बाद अब तक का बदतरीन साल है। साल 2020 में 2400 से ज्यादा अफराद ने खतरनाक समंदर को पार करने की कोशिश की थी, जिसमें 200 से ज्यादा अफराद हलाक या लापता हो गए थे। ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कश्तियों के जरिए बांग्लादेश से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले रोहिंग्या की तादाद गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस बरस 5 गुना बढ़ गई है। 2012 में म्यांमार से भागकर मलेशिया पहुंचने वाले 38 साल सईदुर रहमान का बयान आज भी बांग्लादेश महाजिर कैंप की हकीकत को बताता है और रोंगटे खड़ा कर देता है कि आखिर वहां के हालात क्या हैं। उनकी बीवी, 17 और 13 बरस के 2 बेटे और 12 बरस की 1 बेटी लापता होने वालों में शामिल थी। सईदुर रहमान ने बताया था, मेरा खानदान साल 2017 में अपनी जिंदगी बचाने के लिए बांग्लादेश आया था, लेकिन इतने बरसों के दौरान
दौरान उनकी ज़िंदगी अजाब बन गई। रोहिंग्याओं को मरने के लिए छोड़ दिया गया, खास समंदर में मरें या धरती पर किसी भी जगह, लेकिन उनके मुकद्दर में मरना ही लिखा हुआ है। आपको मालूम है कि तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा रोहिंग्या पिछले 50 सालों से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। उनसे उनका वतन छीन लिया गया है और यह सब किया है बुध अक्सरियती मुल्क म्यांमार ने। कोई भी मुल्क इन तारिकी ने वतन और बेघर लोगों को अपने यहाँ ठहराने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश वाहिद मुल्क है जहाँ 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या ठहरे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी परेशानियों और मुश्किलात का सामना है। ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है, ऐसे में कुछ रोहिंग्या वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। उनकी उम्मीद किसी ऐसी जगह पहुँचने की होती है जहाँ वो जिंदा रह सकें, लेकिन समंदर में ही वो मौत की आगोश में चले जाते हैं। कभी कश्ती डूब जाती है, कभी कोई मुल्क अपने साहिल पर उतरने नहीं देता है, और फिर सालों उनको समंदर में ही चक्कर लगाना पड़ता है। कभी इंसानी स्मगलर के शिकार हो जाते हैं और वो उन्हें बेच देते हैं, उनके जिस्म के आज़ा की तिजारत शुरू हो जाती है। कभी समंदरी तूफानों की जद में आ जाते हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे मुल्कों में पनाह लेने के लिए कई बार मजबूर हुए, कई बार उनका कत्ल किया गया। इस वक्त बांग्लादेश में 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या पनाह गुजीर मुख्तलिफ कैंपों में रह रहे हैं। उन कैंपों की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है, ज़िंदगी अजाब बन चुकी है, रहना मुश्किल हो गया है, पीने तक का साफ पानी उनको मैसर नहीं है, यानी इतनी भी हैसियत अब वहाँ नहीं रह गई उनकी कि वो पानी पीकर जिंदा रह सके। इसी अजाब से निकलने के लिए वो बाहर भागते हैं, समंदर में दाखिल होते हैं, कश्तियों से जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा मुल्क भी उनको अपने यहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं देता है। और इसलिए बांग्लादेश छोड़कर आने वाले जिस किसी से भी मुलाकात होती है तो उस रोहिंग्या मुसलमान का बस यही कहना होता है कि अब बांग्लादेश में भी जिंदगी अजाब बन गई है। पहले म्यांमार को उनके लिए जहन्नम बनाया गया, म्यांमार की जालिम हुकूमत, वहाँ की फौज और वहाँ के बुद्धिस्ट रहनुमा जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा मजहब अमन व सलामती का पैगंबर है, उस मुल्क ने, इस मजहब के मानने वालों ने सबसे ज्यादा कत्ल किया, बर्बरता की, और मुसलमानों के सिर्फ दो ऑप्शन दिया। कहा गया तुम ये देश छोड़कर कहीं और चले जाओ, और अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी जायदाद छीन ली जाएगी। और यही हुआ रोहिंग्या मुसलमानों के साथ। फौज ने उन्हें कत्ल कर दिया, उनके घरों को जला दिया, उनके कारोबार को ख़त्म कर दिया। कुछ लोगों ने जान बचाकर बाहर पनाह ली, बांग्लादेश गए, किसी और मुल्क में गए, लेकिन बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा क़याम पज़ीर हैं। बांग्लादेश को माशी क्राइसिस का सामना है, उनकी इकोनॉमी ख़राब होती जा रही है, और इस वजह से बांग्लादेश की हुकूमत महाजरीन पर तवज्जो नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ जो आलमी ताकतें हैं, जो अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे हैं, ये सिर्फ बयानबाजी करने पर आ गए हैं, उनको ज़रूरी मदद नहीं पहुँचा रहे हैं। रेफ्यूजी कैंप में रहने वालों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जो मुस्लिम ममालिक है वो भी रोहिंग्या महाजरीन से अपनी नजरें चुरा चुके हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मजीद जानकारी के लिए मिल्लत टाइम्स को ट्विटर पर फॉलो करें। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों से दरख्वास्त कीजिए कि वो मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर तमाम जगहों पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें।